मुस्लिम मस्जिद की तोसी के बाद से कुछ अहलुल्लाह के जरिए दुनिया मस्जिद की तो नहीं, मस्जिद की तोसी की बुनियाद रखी जा रही है। उसके लिए ये इदारा कासिम उल उलूम में जो 1952 से इलाका बिरूर इलाका के बच्चों और बच्चियों की तालीम का नज्म करता है। और जब किशनगंज इस्लामपुर में कोई मदरसा खातिर था जहां अरबी की तालीम हो नहीं था, उस वक्त ये इदारा आसमान को जो कि बिहार और बंगाल के बच्चे यहां इल्म हासिल करते थे और अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे का फैज बहुत पहुंचा और आज भी पहुंच रहा है। मेरे बुजुर्गों अजीज बच्चों, दौरे हदीस की तालीम यहां होती है तो बुखारी शरीफ की पहली हदीस और मिश्कात की भी हदीस इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार इखलास पर। आप अच्छा काम कर रहे हैं, कुरान हिफ्ज कर रहे हैं और नीयत ये हो कि इससे हम दुनिया कमाएंगे तो सवाब देंगे, और अगर नीयत हो कि हम अल्लाह के कलाम की हिफाजत करेंगे, कुरान की हिफाजत करेंगे तो आपको दुनिया मिले न मिले आखिर जरूर मिले। पानी ही बुनियाद रखने वाले जितने मुखलिस होंगे उस इदारे का फैल उतने ही आम। दारुल देवबंद में मुश्किल से 5,000 बच्चे बचे हैं। हमारे मुल्क में और भी इदारे जहां 10,000-20,000 बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन दारुल का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए कि दारुल के बानी चाहे हुज्जतुल इस्लाम मौलाना आसिम नानोथी रहमतुल्लाह अलैह, हाजी आबिद साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना जुल्फिकार साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना मुनीर साहब हो, मौलाना महताब साहब हो या और दोस्त या हाजी इमदादुल्लाह महाने मक्की रहमतुल्लाह अलैह की दुआएं, वो लोग इखलास के साथ तालुम की बुनियाद और तहदीद चलाते हैं। और फिर चराग से चराग जलता रहा और आज लाखों की तादाद में दारुल के तर्ज पर बरसगीर के अंदर मदारिस हैं और इंशाअल्लाह कयामत तक है। एक मिसाल मेरे दे एक साहब खत लिखे थे हाजी इमदादुल्लाह साहब हाजी मक्की रहमतुल्लाह सैयद इफाज मदीना में
देव मक्का में थे, तालूम क्या हमारे इदारा तालूम के लिए दुआ किया, किसी ने खत लिख कर तो हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह जवाब लिखे कि तुमने इसको अपना इदारा था तो हमारा इदारा, इस इदारा के लिए कितनी रातें हम लोगों ने जाग करके गुजारी है और दुआएं की है और तुम इसको अपना इदारा करे। मकसद यह था कि दारुल की दुनिया रखने में अल्लाह अल्लाह के नबी की तरफ से मुशारत दी गई थी। नौजरा की दुनिया में लकीर किसने खींचा? सैयदुल्ला वली अली खादिम नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब शारफुद्दीन साहब बरसबंदी रहमतुल्लाह अलैह मुतमिम थे तो उस जमाने के अंदर कुछ मसला आ गया था तलबा पे। हजरत ने कहा कि ये मदरसे का तालिब इल्म नहीं है। कहा कि आपको कैसे पता चला? कहा कि जितने बच्चे यहाँ इल्म हासिल करने के लिए आए हैं और आ रहे हैं और आएंगे मुझे दिखाया गया। उन बुजुर्गों की बशात को इखलास का नतीजा है कि आज पूरी दुनिया में कहीं भी दीन की अगर खिदमत हो रही है किसी लाइन से, चाहे तबलीग के लाइन से हो, चाहे मदारिस के लाइन से हो, जमीयत के लाइन से हो, इमामत के लाइन से हो, जिस लाइन से भी हो, वहां तालुम देवबंद के फर्जन दर फर्जन या उनसे वास्ता वाले लोग ही मिलेंगे कहीं भी आप। तो अर्ज ये करना है कि 1952 में जब इस मदरसे की बुनियाद रखी गई थी तो अहलुल्लाह की जमात अल्लाह वाले लोग हजरत मौलाना इमामुद्दीन साहब